अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजादी मुबारक। आने वाला 14 अगस्त हमें हकीमत उम्मत के उस अफाकी पैगाम की याद दिलाता है जिसमें उन्होंने फरमाया, एक हो मुस्लिम हरम की पास पानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। यानी पाकिस्तान ने पूरी उम्मत मुसलमान का मरकज बनना है और उम्मत दावत तक पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम पहुँचाना है। इस मकसद के उसूल के लिए समाजी, मजहबी, कारोबारी, तालीमी वर्जे के हर इदारे ने आज की नस्ल नौ को इस काबिल बनाना है कि वो उस्वाए हसना की अमली सफारतकारी कर सके। आबरू मिल्लत ग्रुप और अहयाए उस्वाए हसना फोरम का क्याम इसी सिलसिले की कड़ी है। एमलम स्कूल सिस्टम आज के तलबा को कल के रानमा की शक्ल में देख रहा है और बतौर ख़ास उस्वाए हसना के सफीर बनाना चाहता है। मैं असातिज़ा, वालिदैन और दीगर रानुमाओं से इल्तमास करता हूँ कि वो नस्ल नौ को मायूसी से बचाएं और रानुमाई के काबिल बनाएं, ताकि बकौल की मुरम्मत सरश के चश्म मुस्लिम में है नीसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर वह पैदा, किताब मिल्लत बैज़ा की फिर शिराज़ा बंदी है, ये शाख़े हाशमी खड़ने को है फिर बर को बर पैदा। आइए दिल दिल पाकिस्तान और इस परचम के साए तले हम एक हैं जैसे पैगामात को गाने बजाने से हटकर अमली तनाजर में भी देखें और अपनी तमाम तर कुव्वत अख़ुव्वत अवाम में ढाल दें, ताकि हम वो जमात बन जाएं जिस पर अल्लाह का हाथ है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।